सो हाय गाइस, अब देखो यार, आप सब लोग जानते हो गेम के अंदर OB37 का पैच अपडेट आएगा और हर बार की तरह इस बार कुछ धमाकेदार फ्री रिवॉर्ड आप सबको मिलने वाले हैं। वैसे देखो मैं मानता हूँ गेम के अंदर कुछ रिवॉर्ड्स को ऐड कर दिया गया है, लेकिन और भी कुछ मिलने वाले हैं फ्री में जो कि आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा। इसके अलावा बात करने वाले हैं अपडेट के बाद गेम के अंदर स्पेशल क्या कुछ आने वाला है उसके ऊपर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो और गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अपने इवोल्यूशन बंडल के बारे में, क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत ही तगड़ा और सॉलिड लीक निकल कर आया है जो कि मैं आज के इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ में गाइस, सब लोग मैं इवो बंडल का पूरा लुक भी दिखाऊंगा, क्योंकि फाइनली ये देखने में कैसा होने वाला है ये भी निकल कर आ गया है। क्या बात कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ में गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अपने अपडेट के बाद लॉग इन रिवॉर्ड्स के बारे में जो कि आप लोग को फ्री में मिलेंगे। इसके अलावा देखो, अपना जो न्यू एनिमेशन गेम के अंदर आने वाला है आज मैं उसका ऊपर पूरा कम्प्लीट अपडेट दूंगा। लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। वैसे गाइस देखो, सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता, इसके अलावा और भी कुछ बेहतरीन अपडेट्स जो कि मैं वीडियो के अंदर आगे देने वाला हूं, जैसे कि आफ्टर अपडेट कुछ चेंजमेंट बताऊंगा आज के इस वीडियो के अंदर, जो न्यू दो कैरेक्टर गेम के अंदर आने वाले हैं उन दोनों का लुक दिखाऊंगा। साथ में गाइस, FFWS हाइपर बुक किस पे आने वाला है आज वो भी बताऊंगा। तो यार बहुत सारे अपडेट्स आज के इस वीडियो के अंदर, तो सब लोग वीडियो को बिल्कुल आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। तो आओ गाइस बढ़ते वीडियो में आगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कुछ चेंजमेंट के बारे में, लेकिन उसके पहले गाइस आप लोग ये जान लो, मैं अपना सेकंड चैनल का लिंक अपने कमेंट बॉक्स में देकर रखा हूं। आप लोग वहां पर जाओगे तो भाई आप लोग को हर एक नया रोज वीडियो मिलने वाला है शाम को 7 बजे, मतलब मैं आज से डेली 7 बजे वीडियो अपलोड करने वाला हूं अपने सेकंड चैनल, जहां पर आपके कमेंट को मद्देनजर रखते हुए मैं वीडियो बनाऊंगा। जो टॉपिक आप लोगों को चाहिए मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो जगह सब्सक्राइब कर लेना, लिंक कमेंट बॉक्स में है। बाकी आओ गाइस, अब बात करते हैं कुछ बेहतरीन चेंजमेंट के बारे में जो कि अपडेट के बाद होने वाला है गेम के अंदर। आप लोग यहां पर देख सकते हो गाइस, ये होने वाला है लोन वुल्फ मैप, और मैं बता दूं इसको डिजाइन किया गया है अपने विंटरलैंड इवेंट पे, इसलिए आप लोग को चारों तरफ बर्फ ही बर्फ मिलेंगे। जैसे आप लोग अपडेट के बाद से लोन वुल्फ खेलोगे तो भाई आप लोग को पूरा थीम चेंज मिलेगा, मतलब तुरंत तो नहीं लेकिन कुछ दिन बाद से आप लोग को पूरा थीम चेंज मिलेगा। बाकी गाइस, आप लोग यहां पर वीडियो के अंदर तो देख ही पा रहे हो किस तरीके से अपने लोन वुल्फ मैप को डिजाइन किया गया है। इसके अलावा देखो, सिर्फ लोन वुल्फ नहीं बल्कि अपना जो बरमुंडा रैंक है उसके अंदर ही आप लोगों को स्नो और चारों तरफ बर्फ मिलेंगे, जो कि खेलने पर गेम काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो ये हो गया अपना विंटर अपडेट जो कि आप सबको अपडेट के बाद ही अपने गेम के अंदर मिलेंगे, लेकिन FFWS इवेंट पहले आएगा, उसके बाद आप लोगों को विंटर इवेंट गेम के अंदर मिलने वाले हैं। यार अब बात करते हैं कुछ और चेंजमेंट के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते हो गाइस, देखो मैं आपको बता दूं कि अपडेट के बाद आप लोगों को कॉर्सियर पर और एक नया सेटिंग मिलने वाला है। आप लोग गाइस यहां पर जो कॉर्सियर देख पा रहे हो, मैं एरो करके दिखा रहा हूं गाइस, इस पर आप लोग को अलग से चेंजमेंट मिलेंगे। जैसे कि आप लोग यहां पर गाइस देख पा रहे हो, जैसे आप लोग कॉर्सियर को न्यू करोगे तो भाई आपका एक छोटी सी बिंदु आ जाएगा, कॉर्सियर आपको नहीं मिलेंगे। जैसे आप लोग गन हाथ में ले लोगे तो आपको कॉर्सियर पहले वाला वापस आ जाएगा। तो ऐसा कुछ अपडेट आप लोग को मिलने वाला है गेम के अंदर। वैसे देखा जाए ये कुछ खास चेंजमेंट मुझे लगा नहीं है भाई, और इससे कुछ ज्यादा फायदा आप लोग को होने भी नहीं वाला है, पता नहीं करने वाले इसको क्यों दिया है। बाकी यार आप में से किसको लगता है कि ये चेंजेबल जो किया है ये कुछ बढ़िया है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो आओ गाइस अब बात करते हैं कुछ अपकमिंग अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले गाइस, आप लोग यहां पर दो नया कैरेक्टर देख पा रहे हो जो कि आप सबको अपडेट के बाद मिलने वाले हैं, एक मेल कैरेक्टर दूसरा फीमेल कैरेक्टर दिया गया है। बाकी गाइस देखो, कैरेक्टर इस बार देखने में कैसा कुछ होने वाला है, इसका लुक वगैरह दिखाने के लिए मैं इस बार अपडेट को कवर किया हूं, तो आप लोग देख के बताना कैसा लग रहा है आप लोग को देखने में। इसके साथ में आओ गाइस आगे बढ़ते वीडियो में, यहां पर हम बात करने वाले हैं अपने हाइपर बुक के बारे में। सबसे पहले आप लोग ये जान लो, ये जो हाइपर बुक आने वाला है इसका नाम दिया गया है गैलेक्सी हाइपर बुक, क्योंकि ये फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज के थीम पे डिजाइंड है। बात करें इस बार गैलेक्सी हाइपर बुक किस इवेंट में आएगा, तो भाई देखो इसको अनलॉक करने के लिए आप लोग को गेम के अंदर एक टॉप इवेंट मिलेंगे, जहां से आप लोग को हाइपर बुक को टॉप करना पड़ेगा, उसके बाद ये हाइपर बुक अनलॉक हो जाएगा। और इसके आगे का कहानी आप सब लोग जानते हो, इसको आप लोग को धीरे धीरे अपडेट करना पड़ेगा, बिल्कुल इवो गन की तरह इसका टोकन भी आप लोग को मिलेंगे जिसको खरीद के आप लोग को अपडेट करना पड़ेगा। गाइस देखो, जैसे आप लोग एक एक लेवल को अपग्रेड करते रहोगे तो भाई आगे जाके आप सबको एक अलग अलग रिवॉर्ड्स वगैरह इसके मिलने वाले हैं, गन स्किन ग्लूवल वगैरह सब कुछ आप लोग को मिल जाएंगे। गाइस मैं बता कर रख दूं, ये जो हाइपर बुक है ये आप लोग को मिलने वाला है अपडेट के बाद अपने गेम के अंदर, और इस बार इसका जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, इसका नाम दिया गया है गैलेक्सी हाइपर बुक। बाकी गाइस देखो, इसके ऊपर और भी बहुत सारे अपडेट्स है जो कि मैं आज के इस वीडियो के अंदर कवर नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि यार वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, और यही एक वजह है गाइस देखो जिसलिए मैं अपने सेकंड चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में देकर रखा हूं, आप लोग जाके बस सब्सक्राइब कर लेना है, वहां पे आप लोग को हर दिन शाम को 7 बजे वीडियो मिल जाएंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना बस। बाकी गाइस बढ़ते आगे और बात करने वाले अपने FFWS इवेंट के बारे में। बेसिकली आप लोग यहां पर जो वीडियो क्लिप देख सकते हो, ये होने वाला है फ्री फायर मैक्स का लॉग इन वीडियो, मतलब जैसे आप लोग गेम को ओपन करोगे और अपना जो लॉग इन पेज आएगा उस पर आप लोग को ये वाला वीडियो क्लिप चलते हुए देखने मिलने वाला अपने फ्री फायर मैक्स पे। आप देखो इसके अंदर काफी सारे हिंट्स करने वालों ने दिया, जैसे कि एक आप लोग को ड्रैगन मिलने वाला है जो कि एनिमेशन के रूप में आएगा, इसके अलावा आप लोग को 3-4 बंडल मिलने वाला है जिसको डिजाइन किया गया है फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज के थीम पे, साथ में इवो बंडल को भी डिजाइन किया गया है फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज के थीम पे। वैसे गाइस देखो, इस बार जो इवो बंडल गेम के अंदर आने वाला है वो काफी एक बेहतरीन डिजाइन किया गया है, मतलब कह सकते हो कहीं से भी उठपटांग डिजाइन आप लोग को देखने में नहीं मिलने वाला है अपने इवो बंडल का। तो बात करें अपने न्यू इवो बंडल के बारे में, ये देखने में कैसा कुछ होने वाला है, आप लोग यहाँ पर बैनर में देख पा रहे हो, अपना जो न्यू इवो बंडल है इस बार कुछ इस तरीके से आप लोग को डिजाइन में देखने मिलने वाले हैं। हर बार की तरह आप लोग को इवो बंडल के अंदर अलग सा इफेक्ट वगैरह मिलने वाले हैं, 4 आप लोग को इमोट मिलेंगे। वैसे देखो बंडल का जो फेस दिया गया है, फेस में आप लोग को जो स्कार्फ मिलेंगे वो भी काफी बढ़िया डिजाइन है, साथ में बाल भी काफी जबरदस्त डिजाइन किया गया है, जिस वजह से आप लोग को इस बार का इवो बंडल बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। और मुझे भी यार बढ़िया लग रहा है कि यार नहीं, कम से कम करने वाले ने बढ़िया बंडल
डिजाइन किया गया है इस बार के लिए। वैसे अगर बात करें कि अपना न्यू इवो बंडल कब तक गेम के अंदर आ जाएगा, तो मैं अपने ओपिनियन से बताऊं, देखो 22 से 25 नवंबर के बीच में आप लोगों को इवो बंडल अपने गेम के अंदर देखने मिलने वाला है। 22 से 25 तारीख के अंदर मिलेंगे और ये लगभग 10 से 15 दिन के लिए अपना टोकन टायर इवेंट में रहेगा, तो भाई आप लोगों को परचेस करने के लिए टाइम मिलने वाले हैं। वैसे गाइस देखो ये एक पॉसिबल डेट है और इसके ऊपर थोड़ा मोटा लीक भी मेरे हाथ में आया है, साथ में गाइस मैं अपना ओपिनियन को भी इसके अंदर मिक्स किया हूं करके मैं इस अपडेट को कवर कर रहा हूं। कह सकते हो 90% से ऊपर कंफर्म है ये डेट अपने इवो बंडल के लिए। तो आओ गाइस बढ़ते आगे और न्यू एनिमेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। गाइस देखो यहां पर आप लोग एक नया एनिमेशन देख पा रहे हो जो कि एक बहुत ही बेहतरीन इसका डिजाइन किया गया है, काफी बढ़िया लुक के साथ आप लोगों को मिलने वाले हैं। और ये जो ड्रैगन है गाइस ये आप सबको मिलने वाले हैं अपने स्काई विंग के रूप पे। देखा जाए तो भाई एक बहुत ही बढ़िया और बहुत बड़ा स्काई विंग अपने गेम के अंदर आएगा अपडेट के बाद। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को एनिमेशन और स्काई विंग, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। फिलहाल गाइस बढ़ते वीडियो में आगे और बात करने वाले हैं अपने OV37 अपडेट के बारे में। गाइस देखो अपडेट के बाद गेम के अंदर काफी सारे फ्री रोड आप सबको मिलने वाले हैं, हर बार की तरह इस बार भी मिलेंगे, जिसका ऑफिशियल बैनर आप लोग को अपने गेम के अंदर ऑलरेडी देखने मिल गया है, जहां पर गाइस एक गुलवाल दिया गया है, साथ में 2-3 पेट दिया गया है, मतलब एक तो पेट है बाकी उसका 2 स्किन है। इसके अलावा एक इमोट भी आप सबको मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री में। गाइस देखो ये रिवॉर्ड्स के बारे में आप सबको पता है, लेकिन मैं कंफर्म कर दूं इसके अलावा आप लोग को और भी कुछ रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जैसे गेम को अपग्रेड करोगे तो भाई पैच स्पेशल आप सबको बिल्कुल फ्री में कुछ गन स्किन मिलेगा, जो कि लॉग इन करने पर आप लोग को मिलने वाला है 7 दिन के लिए, 3 दिन के लिए इस तरीके से। इसके अलावा वाउचर मिलेंगे फ्री में, जैसे कि वेपन वाउचर, इनक्यूबेटर वाउचर, साथ में डायमंड वाउचर भी। इसके अलावा आप लोग स्टोर के अंदर से भी वाउचर परचेस कर सकते हो अपने गिल्ड टोकन की मदद से। और गाइस मैं कंफर्म कर दूं काफी सारे गन स्किन आप लोग को फ्री में मिलने वाले हैं, उसके लिए अलग से सिस्टम गेम के अंदर आएगा अपने गन स्किन के अंदर, जहां से आप लोग को फ्री में गन स्किन परमानेंट मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह देखो अपडेट के बाद जैसे आप लोग गेम को लॉग इन करोगे तो उसके लिए भी आप लोग को अलग से रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। अब देखो ये सब रिवॉर्ड्स नॉर्मल रिवॉर्ड्स है, लेकिन मैं कंफर्म कर दूं आपके आईडी में जितने भी गोल्ड बच गया है, मतलब कि अभी पड़ा हुआ है, तो भाई वो सारे गोल्ड को आप लोग खर्च मत करना, क्योंकि गोल्ड से कंपेयर करने के लिए भी एक इवेंट अपने गेम के अंदर आएगा, जिसके अंदर आप लोग को गोल्ड से बंडल मिलने वाला है, गन स्किन मिलने वाला है और भी बेहतरीन रिवॉर्ड आप लोग को गोल्ड से एक्सचेंज करने को मिलेगा। और मैं गाइस कंफर्म कर दूं ये वाला जो अपडेट है ये आप लोग को अपडेट से पहले भी अपने गेम के अंदर देखने मिल सकता है, लेकिन चांसेस यही बताया जा रहा है कि आप लोग को अपडेट के बाद ही ये वाला इवेंट अपने गेम के अंदर आएगा। कह सकते हो एक गोल्ड ड्रॉ इवेंट की तरह काम करने वाला है। वैसे गाइस देखो ये मैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर पूरा कवर कर दूंगा, मतलब डिटेल्स में अपडेट दे दूंगा या फिर मेरे सेकंड चैनल पर इसके ऊपर वीडियो डाल दूंगा। खैर अब बात करते हैं कुछ कमेंट्स के रिप्लाई के बारे में। आओ गाइस बात करते हैं फर्स्ट कमेंट के बारे में, न्यू इवो बंडल कब आएगा और साथ में कमेंट की नेक्स्ट टॉप इवेंट कौन सा होने वाला है। देखो अपडेट के बाद आप लोग को जो नेक्स्ट टॉप इवेंट मिलेगा वो होने वाला है अपने हाइपर बुक का, एंड रही बात अपना नेक्स्ट इवो बंडल का, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी आज के वीडियो के अंदर पूरा जिक्र कर चुका हूं। वैसे गाइस देखो 2-3 दिन के अंदर अपने गेम में जो टॉप इवेंट आएगा उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात कर लूंगा। खैर अब बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट के बारे में। तो ये कुछ ऐसे के सनी भाई ड्रैगन स्काई विंग कब आने वाला है, एंड साथ में कमेंट की अपने हाइड आउट के अंदर मुझे ईवो यूएमपी मिला है, तो भाई एक बार परचेस करने के बाद क्या फिर से हमको हाइड आउट इवेंट वॉल्ट में आएगा। तो पहली बात ड्रैगन स्काई विंग, इसके बारे में ऑलरेडी बात कर लिया हूं, एंड रही बात अपने हाइड आउट इवेंट को लेकर, अगर आप लोग इसके अंदर से कुछ भी आइटम परचेस करते हो आपको मिल जाएंगे, और परचेस करने के बाद भी आपको फिर से हाइड आउट इवेंट भी गेम के अंदर मिलने वाला है अगर आपके आईडी में करने वाले देंगे तो। बाकी गाइस आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट के बारे में। सनी भाई विंटर इवेंट का फ्री रिवॉर्ड्स के ऊपर वीडियो बना लो, एंड साथ में कमेंट की बुइये बंडल कब आने वाला है। देखो बुइये बंडल इस टाइम पे शायद आप लोगों को देखने में नहीं मिलने वाला है, बिकॉज गर्नवल ने बुइये इवेंट को बहुत छोटा सा ही रखा है। वैसे भी अगर आना होता तो भाई ये 22 से 25 नवंबर के बीच में आता, लेकिन अभी उस डेट पर आप लोग को अपना न्यू इवो बंडल मिलने वाला है, जिसलिए इस बार आप लोग को शायद बुइये बंडल नहीं मिलने वाले। एंड गाइस रही बात अपने विंटर इवेंट फ्री रिवॉर्ड्स का, तो भाई देखो अभी मैं OV37 अपडेट का फ्री रिवॉर्ड दिखा रहा हूं और मैं बहुत जल्द इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा, मतलब विंटर इवेंट के ऊपर, उसके अंदर मैं फ्री रिवॉर्ड को भी दिखा दूंगा। तो अगला कमेंट देख लेते हैं सनी भाई, पिंक डायमंड स्टोर कब तक अपने गेम के अंदर बैक आएगा, एंड साथ में कमेंट कि अपकमिंग जो अपडेट आने वाला है वो कितना एमबी का होगा। पहली बात आप लोग ये जान लो गाइस इस बार गेम के अंदर कुछ बेहतरीन चेंजमेंट आप सबको मिलेंगे, तो भाई अपडेट लगभग 400 एमबी का हो सकता है। रही बात अपने पिंक डायमंड स्टोर कब बैक आएगा, तो गाइस देखो इसके ऊपर मैं कन्फर्म अपडेट शेयर कर पाऊंगा अपने OV37 अपडेट के बाद, तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर जाओ बस। वैसे गाइस तो मेरा वीडियो बस के लिए आज का यही तक था, अगर आप लोग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं कल शाम को और एक नई वीडियो के साथ में गाइस, तब तक के लिए बाय।